और नहीं जी नहीं, हाँ ये भी सही, लेकिन जो आज वाली है उसकी क्या ही बात। अभी तो एक वीडियो भी थी, मैंने बड़ी कोशिश की बनाने की, मेरे बात अक्सर होता है। किधर गए? नहीं अभी नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद अब्दुल बासित ऑफ कराची, उनके शागिर्द जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब की छत पे, और उस्ताद मलक शेर अफगन अवान साहब के ज़ेर निगरानी इनके कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, और इस वक्त रात की प्रैक्टिस करवाई जा रही है कबूतरों को, रात की ट्रेनिंग, और कबूतर इस वक्त मैवे परवाज़ है, लेकिन अभी नज़र आना ज़रा उनका मुश्किल है। तो ये छत है जी कच्चक हु के साथ रहमानगढ़ नीली हवेली के नाम से ये छत है। ये नजर आ गया, ये जा रहे हैं खलीफा उमर साहब। सर कैसे हैं आप? जनाब खालिद साहब थपला से। सर कैसे हैं आप? तारिक यूसुफ साहब, रिजवान खोखर साहब, उस्मान राजा साहब, उस्ताद शेख अयूब साहब, उस्ताद हैदर अली जोया साहब, उस्ताद मलिक बाबर साहब पैरागॉन, उस्ताद मलिक बाबर साहब, और मॉडल टाउन से भी उस्ताद मलिक बाबर साहब, दोनों माशाल्लाह आज तो साथ हैं। उस्ताद मज़र नियाजी साहब, सब लोग इस वक्त माशाल्लाह लाइव हैं हमारे साथ। ये जा रहे हैं जी कबूतर, ये आ रहे हैं बीच, उस तरफ निकल जाते हैं। ये इस रात की ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, फवाद खान साहब भी हमारे साथ हैं। तो ये जी उस्ताद अब्दुल बासित साहब ऑफ कराची, उनके शागिर्द हैं, नाम मेरे जहन से निकल गया, आल कोहेनूर, आल पाकिस्तान कोहेनूर ग्रैंड लाइंस। तो आल पाकिस्तान कोहिनूर ग्रैंड लाइंस से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद रफ़ी साहब इस वक्त ये खूबसूरत सा कश लगाया है इन्होंने, नज़र आ रहे होंगे आपको। तो इनके पास हम बैठे हुए हैं जी, और ये इनकी रात की ट्रेनिंग देखने आए थे, तो वो ट्रेनिंग हम देख रहे हैं। सज्जाद फाफड़ा साहब, राजा इमरान साहब, बनारस अली साहब, करण देव, टिप्लर्स नेपाल, सुभाष पोड़ियाल साहब। तो ये कबूतर जी इस वक्त रात की ट्रेनिंग दी गई है इनको, और रात को ये उड़ाए गए हैं, और सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं बैठे हुए, और लाइट्स पर इन कबूतरों को लगाया जा रहा है ताकि आगे जो परवाजें होंगी उसमें ये लाइट्स पर उतरने के काबिल हो जाएं कबूतर। अच्छा जब इधर से लाइट पड़ती है ना फिर नहीं नज़र आता। नहीं बस ठीक है, नज़र आ गए एक दो दफ़ा। ये लोकेशन है जी नीली हवेली के नाम से, ये छत है कच्चा खू अब्दुल हकीम रोड पर रहमानगढ़। जब आप मोटरवे से अब्दुल हकीम उतरते हैं तो वहाँ से जब आप कच्चा खू जाते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं, तो वहाँ पर है। और ये ज़ेर निगरानी उड़ाई जा रही है जी जनाब उस्ताद मलक शेर अफगन अवान साहब, जिनका ताल्लुक खानेवाल से है, और डीसी पिजन फैसल डीसी साहब इस वक्त देख भी रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए भी शौक कर रहे हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सामने देखेंगे नज़र आ रहे हैं आपको, और इस वक्त बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग जो है इधर मोहम्मद रफ़ी साहब के दोस्त हैं,
और कुछ उस्ताद मलिक शेर अफगनवान साहब के साथ आए हुए हैं। तो उनमें इनके पीर भाई जनाब राशिद साहब बावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं, और ये रहा उस्मान साहब जी और उस्ताद शेरी साहब। तो हाँ जी, जानी मानी शख्सियतें, ये जितनी भी शख्सियात जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये साउथ पंजाब में एक अपना नाम है, इन सबका जानते हैं पहचानते हैं लोग। मोहम्मद रफ़ी साहब को भी जानते हैं, क्योंकि आल पाकिस्तान कोहिनूर ग्रैंड लाइंस की एक वाहिद छत है साउथ पंजाब की इस एरिया की, जो बहुत ज़्यादा कामयाब तरीन छत है। और इसके अलावा उस्ताद मलिक शेर अफगनवान साहब को कौन नहीं जानता, माशाल्लाह साउथ पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम है। राशिद भाई को बहावलपुर साइड पर एक नाम बड़ा उन्होंने बनाया हुआ है, हर बंदा उनको जानता है। बहुत अच्छे कबूतर हैं, बड़ी परवाज़ भी बड़ी अच्छी इनके कबूतरों की, और इनका अपना एक एक्सपीरियंस है, उस्ताद शेरी का एक एक्सपीरियंस है। और यहाँ के बहुत से टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जो कि इन्होंने अपने नाम किए हैं, जिनमें शोरकोट अपना कबीर वाला और इन इलाकों में ज़्यादातर ये कबूतर उड़ाते हैं, और इनके बेपनाह शागिर्द हैं। उस्ताद शेरी की रिकॉर्ड परवाज इस छत पर भी है जी, इस साल में 132 घंटे 11 कबूतरों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ से शुरू करें, उस्ताद मलिक शेर अफगनवान साहब से शुरू करते हैं, जो इनका बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ भी है जी मोहम्मद रफ़ी साहब से, और उसके साथ साथ उस्ताद अब्दुल बासित साहब से भी एक अच्छा ताल्लुक है। और आल कोहे नूर ग्रैंड अलायंस जो है, इसमें भी उस्ताद अब्दुल बासित साहब के साथ जो है इनकी मुलाकात हुई है, उनके मुलाकात भी हुई है, और उनके फंक्शन में भी ये वहाँ पर गए थे, जहाँ पर इनको रुस्तम ए जनूबी पंजाब का टाइटल भी आपको दिया गया था। तो उस्ताद मोहतरम कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो सबसे पहली बात तो ये मेरे भी उस्ताद हैं, ये भी सब लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं क्योंकि इस वक्त उनका सिर्फ इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ उनको उनके नाम से और उसके साथ जो है पुकार रहा हूँ। अच्छा उस्ताद जी, ये जो छत है नीली हवेली के, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की छत है और आप क्या समझते हैं कि आगे इनकी कैसी परवाजें रहेंगे, जैसे आज की इनकी ट्रेनिंग भी है? ट्रेनिंग बहुत हार्ड कर रहे हैं इनकी, पहले दिन को उड़ाते रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता रात पे लेके गए हैं, ताकि रात की ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो। कबूतर अक्सर रात को नहीं घर बैठ सकते, अक्सर ज़ाया हो जाते हैं कबूतर, तो फिर इसलिए अब रात की ट्रेनिंग शुरू है, माशाल्लाह अब घर बैठ रहे हैं कबूतर। आपके आखिरी टाइम क्या होता है? आखिरी टाइम जब तक कबूतर नज़र आ रहा है तब तक तो कोई टाइम नहीं, चाहे 12 बजे है रात, चाहे 12 बजे, अच्छा चाहे एक दो सुबह तक उड़ते रहे, सामने हैं तो उसका कोई टाइम नहीं, सामने हैं तो उनका कोई टाइम नहीं है, फिर वो उड़ते रहें, जब बैठेंगे तो तभी बैठेंगे, ठीक हो गया। तो आपके यहाँ पे लगातार की बाजियाँ होती हैं? रेगुलर उड़ती हैं। तो रेगुलर में अगर ये कबूतर रात को लेट बैठे तो सुबह सुबह फिर दोबारा उड़ाना होता है, तो उड़ा सकते हैं आप लोग उसको बेहतर तरीके से उड़ा लें। तो ये उस्ताद जी रात की ट्रेनिंग ही क्यों, अभी आता हूँ आपकी तरफ, अगर जल्दी है तो पहले आपकी तरफ आ जाता हूँ, नहीं अभी देता हूँ। ये रात की जो ट्रेनिंग आप लोग करवा रहे हैं, ये पहली दफा करवा रहे हैं आप लोग या पहले भी करवा रहे हैं? इस छत पर पहली दफा, फैसल डीसी साहब हमारे डीसी पिजन वाले हैं, उनकी छत पे थी जी जी, माशाल्लाह उनके पहले भी एक टूर्नामेंट उड़ाया था जिसमें रात कबूतर बैठ नहीं सके, सही। फिर हमने सोचा भी रात की ट्रेन होने चाहिए, फिर ये ट्रेन, फिर अल्लाह के फजल करम से विन किया टूर्नामेंट हमने, वो भी रात को बैठे थे कबूतर उनके, इसी वजह से फिर ये देखते हुए इनको रात को लगा रहे हैं कबूतरों को, सही। तो अक्सर मौसम ठंडा हो जाता है कबूतर लंबे प्रवास दे देते हैं, फिर उस वजह से नहीं भी बैठ सकते कबूतर, बिल्कुल सही। तो आप समझते हैं कि लो फ्लायर्स जो हैं वो रात तक जाते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं रात और लाइट में जी, जी, क्योंकि लो फ्लायर्स को या कराची के बाद, कराची के बाद मेरा ख्याल है कि सिर्फ यहीं पर अब ये रात की ट्रेनिंग हो रही है, इससे पहले रात की ट्रेनिंग लो फ्लायर्स पे बहुत कम देखी, अब करनी पड़ती है, मजबूरी है जी, मजबूरी है, दो तीन इनके दो तीन टूर्नामेंट्स में कबूतर नहीं बैठ सके, सामने खड़े रात रह जाते थे, सही। ज़बीउल्लाह खान साहब हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो उस्ताद जी कबूतर इनके कैसे हैं? कबूतर हमने एक दफ़ा शौक तो करवाया था, हाँ जी, बहुत अच्छे कबूतर हैं, बहुत समझो मेहनत से बनाए हैं इन्होंने, दो तीन जोड़ों की नस्ल आगे बनाई इन्होंने, ब्रीड करवाई उनकी, जो रिजल्टेड पिजन है उनकी फिर आगे ये सारा सिस्टम जी। नासिर जब्बार साहब, अभी मैं आपकी बात का भी जवाब लेता हूँ उस्ताद जी से, कीड़े हैं कबूतरों के पेट में तो ज़्यादा क्या यूज़ करें, ऑक्साफेक्स? ऑक्साफेक्स है ना, ऑक्साफेक्स यूज़ करें सर, कैसे करें ये बता दें ज़रा। मौसम के हिसाब से हम तो फी कबूतर जो है ना ड्रॉ में डाल लेते हैं, उसको तीन कतरे, वो अगर मौसम गर्म है तो CAC 1000 मिलती है कैल्शियम की,
उसे 2 किलो पानी में डाल के 10-15 cc ऊपर से वो दे, नहीं अगर ठंडा मौसम है तो गुड़ दे के ऊपर से वो दे के ऊपर से हल्का नीम गर्म पानी 15-20 cc दे, ठीक हो गया सुबह के टाइम। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। अब चलते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के पास। रफ़ी भाई कैसे, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, मैं यहाँ रखूँ। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। अच्छा माशाल्लाह, नहीं सही है, लाइट भी ठीक है, तो नहीं फिट आ रही है, रंग चिट्टा आना चाहिए, रंग चिट्टा ही आएगा इधर ना मुंह कर देते। ये अभी माशाल्लाह पहली दफ़ा रात की ट्रेनिंग दे रहे हैं, पहली दफ़ा। आपके उस्ताद ने अक्सर और बेशतर रात को कबूतर उड़ाए हैं कराची में। जब उस्ताद के पास पहली दफ़ा उनसे मिला था और उनसे मैंने अपनी शागिर्दी में आने के लिए उनसे पूछा, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको जाल पे लाइट लगी। अच्छा। मैंने कहा हमारे पंजाब में इतनी गर्मी होती है कि रात का कोई कंसेप्ट ही नहीं। अच्छा। 4-5 बजे मैक्सिमम 6 बजे तक कबूतर बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा यार इस बात को अब छोड़ो, आप कबूतर जालों पे लाइटें वगैरह पहले लगवाओ, उसके बाद फिर मेरे पास आना चाहिए दुकान पर, इंशाल्लाह कबूतर रात को बैठेंगे। अच्छा। और सब उठकर देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत से। नहीं तो उस्ताद जी ने इतने यकीन से कैसे कह दिया, उन्होंने कबूतर देखे थे? असल में उनको कॉन्फिडेंस है, उनको मैंने कबूतर दिखाए भी थे। अच्छा। उनके मशवरे से कबूतर बनाए भी हैं ये, यानी कि उनके कबूतर भी हैं आप? उनके कबूतर भी हैं सही, उनके घर के मेन कबूतर भी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो कराची के और यहाँ के मौसम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनके कबूतर यहाँ पर किस तरह वो कर गए, सर्वाइव कर गए? असल में मुझे उन्होंने कबूतर दिए तो वो मेरे पंजाब के हिसाब से बना के दिए, अच्छे सारे दिए थे, और जो बड़े कबूतर दिए उनको भी कहा कि इस तरह की मादियाँ उनके साथ लगानी, तो ये आपके इलाके के हिसाब से बिल्कुल सही। तो अभी आप क्या समझते हैं कि आपकी इस वक्त कितने परसेंट आपको लगता है कि आपके कबूतर लाइटों पर रखने के बाद आपको जो कामयाबी से हम कुनार करा सकते हैं? मैं समझता हूँ 90% तक तो भी है, उम्मीद है, उम्मीद है। कबूतर यानी कि आपके अच्छे हैं, पक्के हैं जी, जी। तो सिर्फ इनकी यही कमी थी वो आप दूर कर रहे हैं? जी जी वही दूर कर। तो दाना पानी आप किसका इस्तेमाल करते हैं साहब? दाना पानी मैं तो ज़्यादातर बासत का भी कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं रहता हूँ ड्यूटी पे, मेरी बलूचिस्तान ड्यूटी है सही। तो मैं यहाँ होता नहीं हूँ, तो ये उस्ताद शेर अली की ज़रे शायद उड़ाई जाती है सर सही, लो फ्लायर ठीक है, और हाई फ्लायर हम फिर खुद उड़ाएं और उस्ताद जी उस्ताद शेर अली सही होगा साहब। तो मैं और उस्ताद जी के क्या, यानी कि आप उस्ताद जी उड़ाते हैं क्या आप? समझा करें ना, अपना क्रेडिट नहीं छोड़ो, मैं समझा करें ना दोस्त आ रहे हैं, बयान उस तरह का देना पड़ता है अपना क्रेडिट फिर बीच में रख लिया जाए कि मैं उस्ताद जी, क्योंकि मैं भी उड़ा लेता हूं। वैसे अन करीब जो शेरू ग्रुप है वो हम मर्ज करने जा रहे हैं, कोहिनूर में मर्ज करने जा रहे हैं जी, इस ग्रैंड अलायंस समझ ले बन जाएगा, मर्ज नहीं होगा, अलहाक होगा, अलहाक कह लें आप। मर्ज का मतलब तो खत्म हो गया, नहीं मिल गया ना उसके अंदर, हां अलहाक हो जाएगा, इत्तेहाद हो जाएगा। मैं वैसे ये अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं, उस्ताद अब्दुल बासित अन करीब आएंगे पंजाब में, और यहाँ पूरी तकरीब की जाएगी जिसमें पूरे शेर ग्रुप को बुलाया जाएगा, और उसके बाद इसका ऐलान किया जाएगा, फिर इसका मुंडोगाम वगैरह जो भी होगा, कोहिनूर के जरिए साया भी शेर ग्रुप में एक कप शप उड़ाए जाएंगे सही, जिनकी वो ग्रैंड लाइन उनके साथ खुद ही देखेंगे उनका सारा, बिल्कुल सही होगा, उनके जरा साया यानी कि यहाँ कप उड़वाए जाएंगे, बिल्कुल सही होगा, यानी कि अलहाक होगा, अलहाक हो मर्ज, तो क्योंकि शेर ग्रुप भी अपने तौर पे तो एक बड़ा ग्रुप है, दोनों उस्तादों से बात हो गई, तो साउथ पंजाब का एक मजबूत ग्रुप है शेर ग्रुप, तो मर्ज तो नहीं खैर होगा, नहीं नहीं अलहाक कर ले, अलहाक हो जाएगा, इत्तेहाद हो सकता है, तो कह सकते हैं नहीं तो मर्ज होना और चीज़ होती है, मर्ज का मतलब होता है कि आपने अपने आप को ख़त्म कर दिया और आप अब उससे ही ताल्लुक रहेगा, अलहाक हो, हाँ अलहाक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो गया, तो ये अलहाक होने जा रहा है, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो है ना फिर जब एक दफ़ा अल्फाज चले जाए ना तो फिर लोग उसी पर कायम रहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि क्लैरिटी होनी चाहिए, क्यों मैं नेक्स्ट मंथ एक बड़ा प्रूफ फंक्शन होगा यहाँ, इसमें पूरे इलाके के साजा इकराम कोशकारियों को स्पेशली शेरो ग्रुप सारे को, लो फ्लायर्स में भी, और हाई फ्लायर के भी जो अच्छे शौकीन हैं यहाँ उनको भी बुलाया जाएगा, उस्ताद के जानने वाले हैं आस पड़ोस में जो लाहौर वगैरह से और शेखपुर मुल्तान वगैरह से, वो भी सब लोग आएंगे, बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा, आपको भी बुलाया जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर आइएगा ज़रूर। उस्ताद शेरी साहब सामने आ जाए क्योंकि यहाँ लाइट है तो चेहरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र लग रहा है। फिर सब ये छत आप उड़ा रहे हैं माशाल्लाह, इसके अलावा बहुत सी छतें हैं जो आप उड़ा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम गए हैं हमने यही सुना है कि जी हम इतने कबूतरों की वजह से जीत गए, ये हो गया तो जीत गए, ये हो गया, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम सुनने में आया, यानी कि रेशो बड़ी कम है कि हम हार गए, तो इतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस और इतना एक्सपीरियंस, ये कहाँ से आया, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे शौक़ पड़ा? ये जी मेरा बचपन से ही शौक़ है शुरू से। अच्छा। पहले अपने कबूतर रखे थे, फिर उस्तादी में आए, तजर्बा ही उस्ताद है। शागिर्द किसके आप? मैं उस्ताद मलिक शेर अफगन। अच्छा, शेर अफगन नवान साहब के, बिल्कुल सही हो गया। तो ये इतने जो आपके शागिर्द हैं इनको मैनेज कैसे करते हैं, एक ही सीज़न में एक ही दिन में कई कई शागिर्दों की बाजियाँ, हमने तो सुना आप कई कई रात सोते ही नहीं,
इस वजह से। जी जी बिल्कुल, 3 माह तो ऐसे है कि बिल्कुल घर भी नहीं जाते, कभी कभार कोई ऐसी बाजी हो गई जो ख़त्म हो जाती है, 5 दिन की थी 3 दिन में ख़त्म हो गई, तो फिर कभी कभार चक्कर लग जाता है, वरना वो फिर आगे आगे चलते हैं, उसी छत पे सोते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंडीशंस मिलती हैं आपको, कहीं पे कबूतर ख़राब हो गए, कहीं ठंडे हो गए, कहीं गर्म हो गए, कहीं तल्ख हो गए, कहीं जल्दी बैठ गए, कहीं देर से बैठ गए। बिल्कुल। तो उनको क्या फ़ोन पे बताते रहते हैं या उनके पास फौरी तौर पे पहुंचने के भी ट्राई करते हैं? ज़्यादा तो एरिए की छतें होती हैं, लगवाते हैं इस हिसाब से हैं। इस एरिए में ब्रह्मानगढ़ है, जिस तरह ये साथ कच्चा कू है, साथ ये है खालकाबाद अड्डा, मखदूमपुर है, अब्दुल हकीम है, इन छतों को एक डेट में लगवाते हैं। सही। वो करीब होता है जब कबूतर बैठे सारे पे चक्कर लग गया। सही। जो खराबी हुई वो निकाल दी, जो दूर है फिर वो रब्ता तो बाज़ अवकात ऐसा होता है कि इतना घूमना फिरना जब होता है तो थकावट हो जाती है इंसान। कभी ऐसा हुआ है कि समझ ना आ रही हो कि यार इसको क्या करूं, तो उस वक्त में किससे फिर रब्ता होता है, क्या होता है? थकावट तो हो जाती है जी, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये रूटीन है तकरीबन 20 साल से 15 साल से। अगर कभी कहीं फंस जाए तो उस्ताद जी से मशवरा चलता है कि खुद ब खुद? हर बाजी में चल रहा है, हर बाजी में रोजाना ही जैसे जो तरीकाकार होता है मशवरा हमारा रोजाना। अभी आप क्योंकि साउथ पंजाब उड़ा रहे हैं, साउथ पंजाब में आज तक मैंने नहीं सुना कि लाइटों में कबूतर लगाए जाए, नहीं लगाए जाते ना, आपको भी पता। लोग ज़्यादातर पहली बात तो यही करते हैं कि जी इतने गर्मी इन्नी होती है, टाइम ही नहीं होता नेरे तक तो जाना कि लाइटें की लाइट। जी गर्मी जब होती है ना रात का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये लचक आती है ना जब बारिश वगैरह, फिर रात रह जाते हैं। उस दिनों में ये अब पहली दफ़ा ये ट्रेनिंग हुई है इस छत पर, तो मज़ीद इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अब ये फार्मूला हर जगह कोशिश करेंगे भाई, इसको हर जगह करें। पिछले साल हमारे 3-4 बाजियाँ इसी वजह से हार गई थी, वो लचक आई और वो रात रह गए कबूतर बाजी आ। अच्छा, इस वजह से अब ये ट्रेनिंग इंशाल्लाह करेंगे इसकी। बिल्कुल सही हो गया। तो उम्मीद है कि आगे ये इसी तरह से ट्रेनिंग अब हुआ करेगी, और ये रात की रीत जो है पहली दफ़ा उस्ताद शेर अफगनवान और उस्ताद शेरी ने आल पाकिस्तान को है नूर ग्रैंड अलायंस की छत, नीली हवेली की छत पर डाली है साउथ पंजाब में। तो जनाब ये कबूतर अब काफ़ी नीचे आ गए, ये देखिए कितने बजे उड़ाए थे जी? 5 बजे उड़े थे। टाइम क्या हो रहा है जी? 9 बज गए, तकरीबन 4 घंटे, क्योंकि कबूतर अभी पहली दफ़ा रात को उड़े हैं तो इसलिए ज़रा थोड़े वक्त में ही बैठ रहे हैं। रात की अच्छा ये देखें, लाइट्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको कैसे समझ आई कि लाइट इस तरह लगानी चाहिए, तो कबूतर या किसी से मशवरा लिया आपने? ये रफी भाई है, इन्होंने अपने उस्ताद से रابطہ अच्छा किया, हमें तो इसका कोई उस्ताद कराची में उड़ते थे। हाँ रफी भाई से उन्होंने बताया कि ऐसे लगाओ। उस्ताद अब्दुल बासित साहब के और उनके साथ उनके और छतों का भी मैंने वहाँ विजिट किया, देखा मैंने वहाँ कि कैसे होनी चाहिए लाइट्स। अक्सर लोग कहते हैं कि कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन जिस साइड पर ज़्यादातर उस्ताद अब्दुल बासित की अपनी छत है वो अंधेरे हैं, सामने नेवी का एरिया बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ जाल के ऊपर ही लाइटें हैं। बिल्कुल। उनको देखते हुए इसकी तस्वीरें वीडियो भी उस्ताद से भेजेंगे, और उनके खलीफा सलीम मरवत साहब हैं वो भी रहनुमाई करते रहते हैं, तो इस तरह लाइट लगाओ, इस तरह होनी चाहिए। ये वाली लाइट जो है ये भी कबूतरों के लिए लगी है या अपने बैठने के लिए? अपने बैठने के लिए। अच्छा ये वाली जो है जी, इनका उससे कोई लिंक नहीं है, लाइट पे बैठते हैं। अच्छा उनका उस छत से लिंक जी, उस छत से लिंक। अगर ये लाइट्स खुदा न खास्ता बंद हो जाए तो कबूतर बैठ जाते हैं? फिर भी बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी आप लाइव हुए तो चलाइए, इससे पहले बंद थी। बिल्कुल सही होगी। तो आप क्या समझते हैं कि लाइटों पर लगाने के बाद कोई आपके मुकाबले में और भी किसी के कबूतर ऐसे हैं जो लाइटों पे बैठ सकते हैं यहाँ पे एरियाज में है इस तरह के? होंगे लोगों के पास अच्छे, नहीं मतलब आपके मुकाबले के कुछ हैं ऐसे लोग के जो अच्छे कबूतर उड़ाते हैं? अपनी अपनी मेहनत है जी, अब आप कह लें कि मैं ड्यूटी पे होता हूं, कहने का मकसद है कि अच्छे ओपोनेंट हैं यहाँ पे? हैं, बिल्कुल हैं। सही हो गया। ये देखें जी ये कबूतर बैठ रहा है, एक ये अभी आया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सारे। अब क्योंकि ये लो फ्लायर्स हैं तो ये ज़्यादातर इकट्ठे ही आते हैं। ये देखिए टिप्लस नेपाल पे संजय साहब बहुत शुक्रिया। फरोख खान नाइस, थैंक यू जी। राजा नवीद अख्तर साहब
माशाल्लाह जी ये बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट उड़ान है पहचान में। इस वक्त साउथ पंजाब से पहली दफ़ा लाइट्स पर कबूतर आपको दिखा रहे हैं लगाने का तरीक़ाकार, और ये लो फ्लायर्स को लगाया जा रहा है। तो ये भी एक जो है वीडियो हमारे नाम हो गई कि सबसे पहली दफ़ा साउथ पंजाब के लो फ्लायर्स को लाइट्स पर लगाने की वीडियो भी हमने ही बनाई माशाल्लाह। ये रफ़ी भाई के हम शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। ये देखें माशाल्लाह, और शुक्र है कि यहाँ नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि आज पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क जो है बंद कर दिया गया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ये देखें अभिषेक भाई, बहुत शुक्रिया। ये देखें सारे कबूतर वन बाय वन बैठ रहे हैं। वाह वाह वाह, जब हमने वीडियो शुरू की थी तो एक या दो कबूतर जाल पे नजर आ रहे थे, और अब इस वक्त जाल माशाल्लाह भरता जा रहा है। चौधरी हसनैन साहब, जैन भट्ट साहब, जी जी बिल्कुल रात का ही शौक है। बहुत आला, ये बैठ रहे हैं जी, देखें जी जी नबी शेर साहब उनके शागिर्द हैं। ब्लैक ईगल बैठ रहा है, ब्लैक ईगल गजन फरमेहर साहब भी आ गए हैं। खोखर ये कौन है जी? उस्ताद सईद साहब है नीली हवेली। वाह जी वाह, उस्ताद सईद साहब कौन है जी? आपके हैं लोगों लगा आपका चकवाल से कामरान साहब हैं, इमरान साहब हैं। नहीं लेते भाई, हमारी मर्जी। वाह भाई वाह, कहें जबरदस्ती, मेरी मर्जी है, जिस मर्जी का लें। कौन है? कर लेंगे हम, रुक तो जाओ, दो दफा कह लिया। राव उस्मान साहब, आपने भी लाइटों पे लगाए कबूतर? नहीं मैंने नहीं लगाए, अभी नहीं लगाए। तो कब तक लगाएंगे आप? सुना कि हाई फ्लायर्स का आप शौक कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह पंजाब में स्टार्ट करेंगे। तो कैसा चल रहा है आपका अभी जो तैयारी है? स्टार्ट कर रहे हैं, अल्लाह खैर बेहतर करेगा। तो कोई उड़ाए हैं, कोई चेक किया कबूतरों को उड़ा के? बस उड़ रहे हैं, रूटीन में नहीं आए, पर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। तो ये देखें जी, ये दोनों भाई भी बहावलपुर से आए हैं इस वक्त, दोनों देख रहे हैं कबूतरों का शौक कर रहे हैं। क्या क्या नाम है? अजहर भाई। अजहर भाई, दूसरा क्या नाम है? साजिद। साजिद भाई, और ये राशिद भाई जो हैं यहाँ पे लेटे हुए, उठ जाए जरा, ये उठ गए राशिद। वाह भाई वाह, चेक करो जरा शेरी भाई हैं। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ठीक है। अच्छा, क्या समझते हैं ये लाइटों पे जो कबूतर लगा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये रिजल्ट पे कोई असर अंदाज होगी ये चीज़? नहीं माशाल्लाह जी, अगर तो कबूतर शाम रहते हैं तो फिर तो रात को 100% बैठेंगे। अच्छा, तो जिस तरह रफ़ी भाई ने बताया है कि एक दो दफ़ा कबूतर रात रह गए हैं, जिस वजह से वो एवरेज की बाजी होती है यहाँ पर, यहाँ एक दो कबूतर भी ज़ाया हो जाएँ तो फिर
काफ़ी बंदा पीछे रह जाता है। राशिद भाई आपको कितना अरसा हो गया कबूतरबाजी में? मैं तो जी जब से होश संभाला कबूतरबाजी का। वो तो चार साल में बंदा होश संभाल जाता है। उस टाइम भी मेरे घर में कबूतर थे पहले से? पहले कौन करता था शौक? पहले बड़े भाई ने। अच्छा, बड़े भाई ने रखे हुए थे। तो माशाल्लाह एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा आपका इस सिलसिले में। तो बहावलपुर और यहाँ के मौसम में कोई फ़र्क भी आपको लग रहा है? जी फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर नमी है हल्की फुल्की। बहावलपुर डेजर्ट का इलाका है। सही। और पट्टी वालों के लिहाज से मेरे ख्याल में वहाँ इतना डेजर्ट है कि वहाँ से एक दरिया गुजरता है वो भी खुश्क है। बिल्कुल सतलुज। साउथ पंजाब में पट्टी वालों में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुझे शौक ही बहावलपुर का। वहाँ जो बाजी भी लगती है 11 दिन मुसलसल होती है। सही। टूर्नामेंट भी 11 दिन। और टूर्नामेंट भी अब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट परवाज़ आपके यहाँ जो अभी तक हाईएस्ट, चाहे आपकी या मुखालफों की किसी की भी, हाईएस्ट कितने बजे तक कबूतर बैठ चुके हैं वहाँ पर? बाजी आ रहे हैं लेकिन हाईएस्ट हमारी परवाज़ ही है 6:15 बजे कबूतर बैठ में गए शाम को। जी तो 6:15 बजे ये पट्टी वाले कबूतर? पट्टी वाले। ठीक हो गया। कितने बजे सुबह उड़ाए गए थे? सुबह 5:30। सुबह 5:30 बजे उड़ाए गए थे। तो 6:15 बजे का टाइम एक बहुत बड़ा टाइम है। तो अगर वो 20-25-30 मिनट ज़्यादा हो जाता तो वो भी अंधेरों तक चला जाता। तो आप लोगों ने कोई तैयारी पहले से की हुई है? कभी अंधेरों की तैयारी की है? नहीं, बहावलपुर जी अभी तक तो इस तरह का वैसे मौसम 2-3 दफ़ा हुआ भी है, नमी में आया और रात आया भी हुए, लेकिन अभी तक ये स्टेप हमने बहावलपुर में नहीं। मैक्सिमम कितना टेम्परेचर आप लोगों ने देखा? हमने जी 47-48। 47-48 की इनके दौरान कबूतरबाजी? कबूतरबाजी बाजियों के दौरान। हाँ, बाजियों के दौरान 47-48। तो 47-48 जब टेम्परेचर होता है तो उस वक्त आप क्या समझते हैं कि कबूतर जिस तरह आप नॉर्मल तैयार करते हैं उन दिनों में भी उसी तरह, या उनको थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं उनकी? असल में इनका मेन प्रॉब्लम है इनको वापसी पर संभालना पड़ता है उस हिसाब से। आजकल नेट का दौर है, कल के मौसम का आपको पता होता है। और दूसरा जो मेन, इस दफा बिल्कुल गलत रहा है। नहीं, हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है। इस दफा बहुत गलत रहा। असल गेम तुम्हारे, हाँ ये होती है कि अगर आपकी एवरेज ज्यादा है तो फिर हम नॉर्मल छोड़ते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि एवरेज मुखालिफों की ज्यादा है तो ज़्यादा फिर उस हिसाब से छेड़ने छाड़ने तो पड़ते हैं। बिल्कुल छेड़ने पड़ते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि छेड़ते हैं, कबूतर भी आते हैं। बिल्कुल सही हो गया। बाकी उस्ताद इजाद हैं मेरे और उस्ताद आपके दादा उस्ताद। हाँ जी, उनकी दुआएं हैं जी कि हमारा और आपका सबका ग्रुप माशाल्लाह इंशाल्लाह पट्टी वालों में जनूबी पंजाब में अभी तक तो मेरे ख्याल में नंबर 1 थे जी। नहीं नहीं, हाई फ्लाइज में हमने एक दो जगह छेड़खानी की है, वो बड़ी अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक बड़े बेहतरीन रहे इंशाल्लाह। अभी इस दफा उस्ताद जी की ज़ेरे निगरानी लाहौर में उड़ाई थी बाजियाँ, 9 घरों से बाजी थी हिट एवरेज पर, वो जीते हैं सारे। सुहेल साहब उस्ताद एजाज ने जी इस बार तहसील जजवान में कबूतर उड़ाए हैं, बड़ा रिकॉर्ड। 11 दिन का टूर्नामेंट था और मेरे ख्याल है पूरे जजवान की 4-5 मेन छतों से बाजियाँ थी 11 दिन की, और क्लीन स्वीप किया है जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी लीड से विन किया है। बिल्कुल इसी तरह शौक तो ये है। बिल्कुल, आप इनको कुछ कहना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे कबूतरबाजी के हवाले से कि इनकी छत आपने देखी, क्या आप समझते हैं कि बेहतर है छत, ठीक है, या इसमें कोई ना कोई चेंजेस होने चाहिए? छत भी बेहतर है माशाल्लाह, और असल चीज़ तो है इनकी केयर, दाना पानी वो बहुत अच्छा है इनका। सही। बाकी शौक के दौरान जब बंदा तैयारी में होता है वो तो डीसी साहब इधर आ जाओ, इधर आ जल्दी, वो जो बंदा मुँह बैठा हो साथ उसे चाहिए कि मौके पर बताए इंशाल्लाह कि ये कमी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अभी तो माशाल्लाह हाँ अच्छी रही। बिल्कुल सही हो गया। तो रफ़ी भाई आपके इतने दोस्त अहबाब आए हुए, कहाँ गए? रफ़ी भाई भी गायब हो गए, दोनों ही चले गए मेरा ख्याल है, वॉशरूम तो नहीं गए? नहीं जी, मेज़बानी भाग गया, मैं क्या करूँगा। ये देखिए जी अभी कबूतर और आ रहे हैं, ये फिर रहे हैं, देखें सात रहे। मोहम्मद रफी साहब आए जरा जल्दी, कहाँ है वो? सर्च उन्होंने करना है, नजर आएंगे तो फिर करूँगा। अच्छा, शुएब यासीन भट्ट साहब भी हमारे साथ है। मैंने कहा कि आपके पास इतने लोग आए हुए हैं
जो मैंने अनाउंसमेंट किया तो शक्ल देंगे खुद। जी जी वज़ीर आज़म साहब पहले मैं जो बात करूँ उसका तो जवाब दे दो। मैं कह रहा हूँ इतने दोस्त अब आप आए हुए हैं, ज़रा तारुफ करवाएं कौन कौन लोग हैं आपके पास आए हुए हैं इस वक्त, शौक कर रहे हैं देख रहे हैं आपका शौक। ये राना महबूब साहब हैं जी। जी ये आप कह लेंगे हमारे कबूतर यही संभाल के तैयार करते हैं, यहाँ रहते हैं हमारे पास, सीजन में यही होते हैं। सही। और ये मेरा कज़न है हमज़ा। सही। हमज़ा तो पहले भी आया है, हमज़ा भट्टी कहते हैं हम। तो ये शाम है और ये मेरे पार्टी के कुछ और लोग हैं, असलम है, वो राना साहब हैं और वो पीछे भाई बैठा है, भाई बैठे हैं। और ये मतलब शेरा अफगन का सबसे छोटे शागिर्द है। कौन ये? ये? सही हो गया उस्ताद जी, इन्होंने जान के आपको फंसाया हुआ है बस इस तरह। और ये राशिद भी आपके साथ भाई आए हैं जरा। ये जी माशाल्लाह इनका नाम अजहर है। अच्छा। और भावलपुर से ही ये अच्छे शौकीन है पट्टी वालों के। अच्छा। तो दूसरे वो सादिक भाई हैं, ये भी भावलपुर से ही हैं, ये भी पट्टी वालों के शौकीन। ये भी पट्टी वालों के शौकीन। गजनफर मेहर साहब सलाम कह रहे हैं सक्खर से। और ये पीछे भाई बैठे हैं। अच्छा ये जिया भाई हैं, ये अच्छा कबीर वाला से। और ये है जी जनाब शेख फैसल डीसी साहब, इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम। तो फैसल डीसी साहब कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमारे लिए मुख्तस किए हैं, तो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। और इस वक्त आप यहाँ पे बड़े जो है दिल लगा के शौक कर रहे हैं और कबूतरों की रात की परवाज़ें देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि क्या रात की परवाज़ें देना ज़रूरी था इनको? आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना बहुत ज़रूरी है, कबूतर हर किसी को बहुत अच्छा आ रहा है। सही। गेम जो है बहुत फास्ट हो गया है, कंपटीशन जो है ना बढ़ गया। सही। जो है ना नमी आ जाती है बाज दफ़ा, जेट में भी आ जाती है नमी, असू में तो होती है नमी। आपके वालिद साहब भी कबूतर रखते रहे, उड़ाते रहे, उसके बाद से आपके भाई और आप भी अब शौक कर रहे हैं। तो जब वाले साहब का जब शौक हुआ करता था, क्या उस वक्त में भी कभी लाइट्स लगी, कभी देखी किसी के घर? इस टाइम नहीं होती थी लाइटों का। तो क्या उस वक्त में कबूतर अच्छे नहीं होते थे, क्या चक्कर था? ट्रेंड नहीं था। तो ट्रेंड नहीं था तो फिर तो जाया भी होते होंगे। सही। तो वो हाई फ्लायर होते थे तो वो जल्दी बैठ जाते थे, इनके नहीं मतलब अंधेरा नहीं होता था, जब वो निकलते तो फिर बैठ जाते। सही। निकलते थे तो बैठ जाते थे, ये आपने एक पॉइंट मारा। हाँ तो बैठ जाना है, रुकना नहीं है बीच। ठीक हो गया। तो अब कबूतर रुक जाता है? कौन सा हाई फ्लायर? लो फ्लायर। कोई भी आप कह रहे हैं कि पहले असील होते थे वो रुकते नहीं थे, बैठ जाते। हाँ इसलिए स्टैंड बाय हो जाते। तो आप समझते हैं कि ये एक फायदेमंद स्टेप है? बिल्कुल सही। ऐसे ही है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी उस्ताद अब्दुल बासित साहब आना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक वो सर्च में नहीं आए, तो इसका मतलब है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो जैसे ही वो आते हैं तो हम उनको उस्ताद अब्दुल बासित, हमने उनको इनवाइट किया है जी। तो ये कबूतर उड़ रहे हैं जी। जी वालेकुम सलाम उस्ताद अब्दुल बासित साहब, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कामरान भी, आप सुनाएं तबीयत कैसी है? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त रौनक लगी हुई है। जी बासित भाई मैं कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाहेंगे आपके, स्पेशली ये कि आपकी जो ये छत है ये कराची से बाहर है और साउथ पंजाब में, और साउथ पंजाब की लो फ्लायर्स में आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? पंखा बंद करो जरा, अभी सही आ रही है? हेलो जी, आपको अब आ रही है आवाज? हेलो, नेट पर। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा आवाज आ रही है?
जी, अब आ रही है कामरान भी, अब ठीक आ रही है आवाज। वो असल में बैक पे जो है ना पंखा चल रहा था, इस वजह से थोड़ा बोल रहा था। मैं कह रहा हूँ कि आपकी पंजाब में, साउथ पंजाब में ये एक ऐसी छत है जो कि एक मेन छत है, और इस एरिया में ये अकेली छत है आल कोहे नूर की। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी इनके साथ जो वो एक एक तो लॉयल्टी तो ऑब्वियसली है, लेकिन आपकी उम्मीदें क्या है? आप क्या समझते हैं कि ये छत आपके जो जमात है ये आल कोहे नूर, उसके लिए आप क्या समझते हैं कि इसका क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भी देखें, मुझे उम्मीद और यकीन है अल्लाह पाक से कि ये छत पंजाब में बहुत अच्छा काम करेगी। जिस तरह हमने कराची से हमने इस साल आपके सामने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अल्लाह पाक ने बनाए, हमारी कोई औकात नहीं है। और ये जो मोहम्मद रफ़ी वाली छत है, इंशाल्लाह पंजाब में अल्लाह पाक ने चाहा तो इस छत पे बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आना चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसके लिए अगर मुझे पंजाब आके बैठना ही पड़ा इंशाल्लाह, मैं खुद भी आके वहां बैठ के इंशाल्लाह मेहनत करके इस छत को किसी किनारे इंशाल्लाह लगाना है कामयाबी के साथ। मेरा ख्याल है कि अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ है ये छत, और उम्मीद है जिस तरह के लोग इस छत पे बैठे हुए हैं तो शायद आपको आने की जरूरत ना पड़े। आप जब आएंगे तो तब सिर्फ, मेरा ख्याल है कि किसी भी टूर्नामेंट का कप उठाने ही आएंगे, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब या इनके जो दोस्त अहबाब हैं यहाँ पे, ये किसी भी लिहाज से मुझे तो कम नहीं लगते एक्सपीरियंस में और कबूतर बनाने और उड़ाने में। क्या समझते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, और खास तौर पे मेरे बड़े भाई वहाँ मलिक शरफगन साहब जो बैठे हुए हैं, और रफी खुद भी माशाल्लाह बहुत मेहनती, और इनके साथ जो पूरी टीम है बहुत मेहनती और मुखलिस लोगों की टीम है ये। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अगर ना भी आऊं, लेकिन ये कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने भाइयों के बीच में जाके बैठूं, इस कामयाबी को अपनी आंखों से देखूं इंशाल्लाह ताला। मोस्ट वेलकम, हम तो जरूर आपको, हम चाहेंगे कि आप आए यहाँ पे, शौक करें आके, और ये हमारे लिए भी बायस फख्र होगा कि आप साउथ पंजाब में आके उस्ताद अब्दुल बासित साहब आके शौक करेंगे। तो उस्ताद मलिक शेर अफगन अवान साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनको रुस्तम पंजाब का टाइटल भी आपने दिया था, रुस्तम साउथ पंजाब का। ये फखरे फखरे जनूबी पंजाब है, और ये हमारे दिलों की धड़कन है। इसमें कोई कोई इसमें चापलूसी वाली बात नहीं, हकीकत यही है कि हमारा दिल धड़कता है मलिक शेर अफगन के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत जबरदस्त, और बासित भाई का प्यार, इनकी शोक में जो कुर्बानियां हैं, जो इनकी मुखलिसी है, वो किसी से ढकी छुपी है ही नहीं। और आज के दौर में बकरीद पे भी कुर्बानी की थी, बड़ा माशाल्लाह कुर्बानियां इनकी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे इस बात पर फख्र महसूस होता है कि पूरी कराची की जानिब से, पाकिस्तान आल पाकिस्तान कोहिनूर की जानिब से, हमारे 31 इलाकाई और इजलाई टूर्नामेंट्स की जानिब से फख्रे जनूबी पंजाब का जो टाइटल दिया गया वो जी जी। सही और मुखलिस शख्स को दिया गया, बिल्कुल सही, और इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी उस्ताद मलिक शेर अफगन अवान साहब हैं, उस्ताद शेरी साहब हैं, ये मोहम्मद रफी साहब की छत पे बाकायदा तौर पे शौक कर रहे हैं इनके साथ मिलके, और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा एक जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ है। तो आप कराची के कॉम्बिनेशन को अगर मैच करें तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कराची की कबूतरबाजी में, और अगर आप साउथ पंजाब के बारे में मोहम्मद रफी साहब से या उस्ताद मलिक शेर अफगन अवान साहब से सुनते होंगे, तो कोई कंपैरिजन आपको नजर आता है या आप समझते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में? देखिए डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, असल में ये छोटे मोटे मसले, इलाकाई मसले, धड़ेबाजियों के मसले, ये हर जगह मौजूद है, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए ना ये मसले तो होते ही है। लेकिन जिस तरह का शो पंजाब में किया जा रहा है, दड़ों का शो किया जा रहा है, एवरेज का टूर्नामेंट होता है, बॉन्ड की बाजियां होती हैं, सेम अब दड़ा कल्चर हम कराची में भी लेके आ गए, बॉन्ड की बाजियां यहाँ भी हो रही हैं, एवरेज की बाजियां भी हो रही हैं, टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, तो कोई बड़ा फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि टेम्परेचर का फर्क है, हमें वेदर थोड़ा अच्छा मिल जाता है बनिस्बत पंजाब के, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जेठ में खास तौर पर, तो इस टाइप के थोड़े मसले हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शौक तो ये कामरान भी ऐसा शौक है कि दुनिया के किसी कोने में चले जाए ना, आप जी जी। किसी शख्स से कभी जिंदगी भर मुलाकात ना हुई हो
बहसियत शौकीन, वो हमें ऐसा लगता है जिस तरह हमारा खून का रिश्ता हो आपस में, ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, ये एक्सपीरियंस मुझे हो भी चुका है एक दफा, बिल्कुल ऐसे ही है। कबूतर परवर जहां पर भी हमें मिल जाता है तो वो ऐसे वेलकम करते हैं जैसे बड़े अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो ये काफी दफा हो चुका है। एक सवाल आपसे करूंगा कि ये नीली हवेली की छत आल पाकिस्तान कोहे नूर ग्रैंड अलायंस के जेरे साया जो उड़ाई जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि साउथ पंजाब या पंजाब में आल पाकिस्तान कोहे नूर ग्रैंड अलायंस को जो पनपने की जरूरत है, तो उसकी बेस यहीं से बनेगी और यही उसकी बेस बनेगी ये छत? बिल्कुल इंशाल्लाह 100% आपने सही कहा, और इसकी जो बुनियादी जो वजह होगी ना, जो मेन कड़ी होगी, वो हमारे मलक शेर अफगन साहब होंगे इंशाल्लाह ताला, और यही आल पाकिस्तान को नूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन को और जो हमारा पंजाब का जो शेरू ग्रुप है, इसको मिलके इंशाल्लाह इस तरीके से हमने मुनज़्ज़म करके चलना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब लेके हमने पंजाब से शुरुआत करनी है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल पंजाब से इंशाल्लाह शुरुआत हो गई है। ये मोहम्मद रफी साहब की तरफ जाते हैं, वो भी साथ ही हैं, आपके शागिर्द हैं, तो दोनों उस्ताद शागिर्द इकट्ठे ना हो तो अच्छा नहीं लगता, तो मजा नहीं आता ना ये। तो मैं अच्छा मोहम्मद रफी साहब जी जी, मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि मोहम्मद रफी साहब इस वक्त जो है यहाँ पर आपके वाहिद शागिर्द है जो अभी साउथ पंजाब में नीली हवेली के नाम से इन्होंने छत बनाई हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि आल कोहे नूर को ये यहाँ पे लीड कर सकते हैं? बिल्कुल लीड कर सकते हैं, अल्लाह पाक ने इसमें सलाहियत रखी हुई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पंजाब में मैं खुद भी आ जाऊं ना तो मैं भी इतना अच्छा इसको मैनेज नहीं कर सकता। मुझे इतना भरोसा है मोहम्मद रफी पर कि ये मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पंजाब में इस क्लब को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो रफी भाई से भी पूछेंगे, रफी भाई आप भी बताएं कोई इसके आगे कोई प्रोसीड किया आपने, कुछ लगता है आपको कि और लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर? जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके इसी लाइव प्लेटफॉर्म से अनाउंसमेंट भी की थी, उस्ताद जी को भी पता है इसका कि शेरू ग्रुप और अल कोहे नूर का ग्रह अपना अलहाक होने जा रहा है, तो इस सिलसिले में उस्ताद जी भी अभी बात करेंगे। तो उस्ताद जी अगले मंथ या कोई हमारे प्रोग्राम बन रहा है अभी, इसको फाइनलाइज अभी करेंगे हम लोग, तो अनकरीब यहाँ एक फंक्शन होगा जिसमें उस्ताद जी हम सबको दावत देंगे इंशाल्लाह यहाँ पंजाब में इंशाल्लाह, वो तो जरूर देंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके डायरेक्ट मतलब जैसे उस्ताद अब्दुल बासित साहब के डायरेक्ट आप शागिर्द हैं, तो आल कोहे नूर के डायरेक्ट कोई आगे आपको यहाँ पे मजीद प्लेयर्स बनते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल बनते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं आपसे रुजू कर रहे हैं आल कोहे नूर में शामिल होने के लिए? जी बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं समंदरी वगैरह के इधर उधर के, हाँ वो हमारे साथ रास्ते में हैं। सही, उनके साथ मिलके हो रहा है, बिल्कुल सही। तो यानी कि आप समझते हैं कि आइंदा वक्तों में फोकस हमारा अपनी छत पे ही है? नहीं, लेकिन ये कि आइंदा वक्तों में आप समझते हैं कि इस एरिया में साउथ पंजाब में या पूरे पंजाब में आपकी जो ये आल कोहे नूर वेलफेयर जो एसोसिएशन है ये अपने कदम जमाएगी और एक अच्छा रिकॉर्ड देगी? ये मेरे उस्ताद जी का ख्वाब है कि हर गली मोहल्ले में कोहे नूर की कोई ना कोई छत हो, हम शेर के साथ मिलके इंशाल्लाह इस ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब्दुल बासित साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे, उन्होंने माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें की आपके लिए? माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छे शौकीन, और मैंने कम देखे इतने जुनून और इतनी लगन से आजकल के इतने मुश्किल टाइम में जो इतना टाइम निकालते हैं, जो शौकीन हजरात को दिन रात उनके शौक को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल सही, और हम गए मिले बहुत खुशी है, इतनी इज्जत दी उन्होंने, राशिद भाई भी गए हम, और हम अपने इधर इनको वेलकम करते हैं जो भी प्रोग्राम में। राशिद भाई गए थे कराची? राशिद भाई नहीं गए। अच्छा इंशाल्लाह आइंदा जाएंगे। तो उस्ताद शेरी का भी है कोई वाकफियत ताल्लुक है उस्ताद अब्दुल बासित से? नहीं मैं नहीं गया था, वैसे आपकी मुलाकात ये फेसबुक पे या इस पर है? वैसे ही है, जैसे वीडियो कॉल पे हुई है। उस्ताद शेरी से है आपका कोई जान पहचान? बस इनका नाम मैंने सुना हुआ था, आज दीदार भी हो गया, बात भी हो रही है, माशाल्लाह कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तो ठीक है आपकी? ठीक ठाक जी, शुक्र लगा जी, आप सुनाएं जी, तबीयत सेहत कैसी है जी? तो ये प्रॉपर टाइम दे रहे हैं इधर रफी भाई की छत पे माशाल्लाह माशाल्लाह, और बस ये मुखलिस दोस्तों का साथ है इसीलिए कामयाबी का यकीन है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इसी तरह रहेगा जी, और हम भी आपको जो है एक तो सबसे पहले तो वेलकम कहते हैं कि जी जरूर आए आप,
और हमारे पंजाब की मोहब्बतें भी समेटें। आपने बहुत मोहब्बतें दी हैं हमारे उस्ताद को भी और पंजाब के लोगों को भी, तो अब बारी हमारी है, तो लिहाजा आप यहाँ पर आए ताकि हम लोगों को भी मौका मिले आपको अपनी मोहब्बतें जताने का, दिखाने का। मैंने इंशाल्लाह सितंबर में, मैंने मोहम्मद रफी भाई से कहा हुआ था कि मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा ना, तो एंड ऑफ सितंबर मैंने हाजिर होना है और हम बैठ के अल्लाह पाक ने चाहा आप भी होंगे, सब बैठ के कोई कोऑर्डिनेशन से कोई आगे का प्लान करेंगे जिसमें हर छोटे से छोटे शौकीन को हमने लेके बड़े लेवल पर लेके जाना है, उनका शौक हमने अच्छा करवाना है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये है जी राशिद भाई, ये उस्ताद मलिक शेर अफगन अवान साहब के पीर भाई हैं और बहावलपुर से आए हुए, आज मेहमान है हमारे और मोहम्मद रफी साहब की छत पे स्पेशल ये रात का शौक देखने आए हुए थे। तो तो राशिद भाई को भी बड़ा पसंद आया जी शौक और बहुत अच्छा आइडिया लगा ये रात की जो कबूतरबाजी है, और आप देखे माशाल्लाह, मैंने कहा कि चले अब लाइव आप हैं तो आपको जरा रौनक, सारे पाकिस्तान ही देख रहा, तो मैं दिखा दूं कि काफी सारे लोग हम बैठे हैं, ये इधर देखें आप माशाल्लाह, ये सब के सब लोग बैठे हैं। ये कामरान भाई ये आपका बड़ापन है कि देखें ये गैदरिंग तो हम कबूतरबाज शौकीन जितने भी होते हैं तलाश करते हैं और माशाल्लाह एक जबरदस्त गैदरिंग बनी हुई है, गेट टूगेदर हो रहा है और बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े सरदार कराम है अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बैठे हुए यहाँ पर, तो ये बड़ी बात होती है इस तरह गैदरिंग जो है बहुत कम मिलती है। बिल्कुल ऐसी बासित भाई, हम वीडियो को क्लोज करेंगे लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा काम आप देना चाहेंगे नीली हवेली के हवाले से या प्रॉपर एक कलेक्टिव साउथ पंजाब या पूरे शौक के हवाले से, पाकिस्तान के शौक के हवाले से। कामरान भाई मैं 1986 को एक मोटिव लेके चला था और आल बल्दिया वेलफेयर एसोसिएशन से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम अगर मिलके काम कर रहे हैं तो हमारे पूरे क्लब का जो सबसे छोटा और जो सबसे अदना कारकुन है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं हूँ और बाकी सब लोग मेरे सर का ताज हैं। इंशाल्लाह हमने इस मकसद के साथ, इस शौक के साथ चलना है कि हमारा जो छोटे से छोटा एक गाँव देहात में रहने वाला शौकीन है उसे भी अल्लाह पाक कामयाबी की वो सीढ़ियां अता फरमाए कि जिसकी वो उसके ज़हन में एक ख्वाहिश पैदा हुई थी। आमीन आमीन। बासित भाई एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया, सॉरी, तो ये आजकल की एक जरूरत भी है और कुछ शौकीन हजरात के लिए बहुत जरूरी है कबूतरबाजी से रिलेटेड लेकिन कबूतरों से हटके है कि ये ऑल पाकिस्तान कोहे नूर जो आपकी वेलफेयर है क्या ये रजिस्टर्ड है? जी जी रजिस्टर्ड है ये और ये 1986 से प्रॉपर काम कर रही है ये। ठीक हो गया। तो कुछ लोग हिचकिचाते हैं अपनी जो है ग्रुप को या इन चीजों को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है ताकि शौक को प्रॉपर रजिस्टर्ड तरीके से कर सकें, ताकि जो कुछ मसाइल थोड़े बहुत अगर अभी कहीं ना कहीं आते भी हैं तो उन मसाइल से हमें छुटकारा मिल सके, तो उसका कोई प्रोसीजर आप डिफाइन कर सकते हैं और क्या क्या हमें सालाना और मंथली क्या क्या करना होता है? देखिए ये सवाल गालिबन किसी ने भी नहीं किया होगा, तो मैंने कहा मैं चाह रहा हूँ कि ये आप इसके बारे में जरा बता दें। बिल्कुल, इसमें इनिशियली तौर पर आपके पास 7 या 9 लोग होने चाहिए और उनके एनआईसी यहाँ सब रजिस्ट्रार के पास जमा होते हैं और फिर हमारे पास एक ऑफिस होना चाहिए प्रॉपर। जी जी सब रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंटेशन होती है सारी और एक पूरा एक डायग्राम बनाई जाती है और उस फर्म के क्या क्या काम होंगे, वो जो फर्म हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो कबूतरबाजी में क्या क्या हेल्प आउट कर सकते हैं, और अगर आप वेलफेयर रजिस्टर कराना चाहते हैं जिस तरह हमने वेलफेयर रजिस्टर कराई है तो जितने भी लोग हैं जो जो आपके कबूतरबाज शौकीन थे, जो आपके मेम्बर्स थे जिनका इंतकाल हो गया है, उनके बच्चों की एजुकेशन के हवाले से और के लिए राशन वगैरह के हवाले से, ये तमाम काम आप फंड रेजिंग भी कर सकते हैं। फंड रेजिंग भी कर सकते हैं लेकिन हम इसमें फंड रेजिंग नहीं करते, हम हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो मेंबरान है क्लब के वो खुद से हम काम करें। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा तो इसके लिए कौन से महकमे का ऑफिस होगा जहां पर जाना पड़ेगा? इसमें जो सिंध गवर्नमेंट के जो आर्टिकल्स है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो होता है वो दोनों इस पे काम करते हैं बैक वक्त,
ये दोनों जगहों से बैकवर्क रजिस्ट्रेशन होती है। जी जी, फॉर्म की भी होगी और सब रजिस्ट्रार जो है वो भी करेगा। जी जी, वो भी करेगा, और इतना ये लेंथी काम नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन है थोड़ी बहुत, वो आप अगर कर लें तो एक आपकी बाकायदा फर्म रजिस्टर हो जाएगी, और उस रजिस्ट्रेशन की बेस के ऊपर आप काम करेंगे तो आप फायदा दे सकते हैं अपने छोटे शौकीनों को गवर्नमेंट के साथ अलहाब करके। उसमें एक प्रोसीजर्स वगैरह है छोटे मोटे, बड़े फायदे हैं इसके अंदर, नुकसान कोई नहीं, इससे हिचकिचाना नहीं चाहिए। यही मेरा अगला सवाल यही था कि आप सिर्फ ये कन्फ्यूजन, नुकसान है या इससे कोई परेशानी आगे आ सकती है या इसके फवायद ही है हमारे लिए? नहीं, हमारे लिए देखिए फायदे ही है, अगर आप एक लीगल काम कर रहे हैं ना, उसमें फंड रेजिंग आप नहीं कर रहे, कोई एनजीओ आप नहीं चला रहे, बाहर से कोई पैसा आपके पास नहीं आ रहा, तो ये एक मदद करने वाली बात है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो जकात कमेटियां और सर कमेटियां जो बनी हुई हैं, उसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुंतकिल करवा सकते हैं, वहां से आप अपने छोटे शौकीनों के लिए फंडिंग फंड ले सकते हैं, आपको बाकायदा वहां से ऑर्डिनेंस पास होते हैं, इसके एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर सूबाई गवर्नमेंट के पास अपने अपने रूल्स हैं, तो सिंध में जो है वो हमें फायदा ही है, फायदा ही है, नुकसान कोई भी नहीं है इसका। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बासित भाई आपके टाइम। कहना चाह रहे थे आप कुछ कहना चाह रहे थे सॉरी हमें कहना चाह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स नहीं करवाना चाह रहा, अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं करवाना चाह रहा, तो वो किसी भी रजिस्टर्ड फर्म के साथ मुंसलिक जरूर रहे, और अपने जितने मेंबरान हैं उनके पास अगर उनकी एंट्री करवा लेते हैं तो वो जो बाजाबता रजिस्टर्ड फर्म होती है वो उनके लिए भी काम करने में उनको आसानी होगी, गवर्नमेंट से हमें टैक्सेस वगैरह में भी छूट मिल सकती है, और काफी सारे फायदे हैं इसके। बिल्कुल सही हो गया, मजीद आपसे बात होगी क्योंकि हमारा ग्रैंड टूर चल रहा है, ये मुहर्रम की वजह से थोड़ा ब्रेक किया, और जैसे कराची आएंगे तो डिटेल्ड इंटरव्यू आपका मैंने जरूर करना है, तो आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आपने टाइम ग्रैंड टूर से। मैं आपको दावत देता हूं आपने कराची जरूर आना है, हर सूरत में इंशाल्लाह कराची आना, और आपने फुल टाइम मेरे मेहमान रहना है इंशाल्लाह ताला। सर लास्ट स्टेशन हमारा कराची है इंशाल्लाह, और जरूर आपके पास आएंगे सर। मैं बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन ये हमारे साथ थे उस्ताद अब्दुल बासित साहब, और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और फैसल भट्टी साहब इस वक्त आए हैं, फैसल भट्टी साहब आप लेट आए हैं, वालेकुम सलाम। तो आपसे पर्सनल बात होती है, ये जरा दो दिन नेटवर्क खुल जाए फिर आपसे इंशाल्लाह डिटेल बात होती है, और चक्कर भी लगाते हैं, सुना बड़े नगीने आपने जमा कर लिए। तो अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को नीली हवेली वाली छत से दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।